श्री राजेंद्र राठौर एक ऐसा नाम है जिसे राजस्थान की धरा पर रहने वाला हर एक व्यक्ति उनके नाम और काम से बखूबी पहचानता है। राठौर जी राजस्थान विधानसभा में लगातार 7 बार विधायक हैं। इनका विधानसभा में शानदार प्रदर्शन रहा है। अपनी यात्रा इन्होंने 1979 में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभ की थी। 1981 में मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में श्री राजेंद्र राठौर जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश मंत्री उपाध्यक्ष जैसे पद पर रहे हैं। राजेंद्र जी 7 बार के विधायक हैं और बहुत सी जो विधानसभा में समितियां होती हैं उनमें इन्होंने शानदार काम किया है। तो आज हम सब उनके साथ मीट एंड ग्रीट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे आशा है कि आप सब आज के इस आयोजन से आनंद लेंगे और राठौर जी से मिलकर आपको अति प्रसन्नता होगी। Welcome them. Our chief guest, Shriman Rajendra Singh Ji Rathod and Megharaj Singh Ji Shekhawat. We welcome you and we'd like to welcome you on the stage, please. आज जैसा हम सभी को ज्ञात है कि आज हमारे माननीय भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात का 100वां एपिसोड था, तो आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत भी मन की बात से करते हैं। तो हम मन की बात का एक वीडियो हमारे पास है, हम चलाना चाहेंगे, आज तक जो मुख्य झलकियां हैं उसकी वो देखना चाहेंगे सब लोग। आप भी कृपा देखें।
धन्यवाद। इसकी क्षमा चाहता हूँ, पर ये मन की बात थी तो आप सबके मनों तक पहुँची होगी ऐसा मैं विचार करता हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। जैसा कि आप सबको ज्ञात, राजस्थान एसोसिएशन यूके यहाँ पे सभी को सांस्कृतिक रूप से अपनी भूमि से जोड़ने का कार्य करती है। उसी में हम जैसे काफ़ी निष्काम भाव से सेवा करते हैं। जैसे कोरोना काल में सब लोग अपने घरों में बैठे थे, तब राजस्थान एसोसिएशन यूके की टीम बाजार सड़क में निकलकर लोगों की मदद कर रही थी। जैसे वेंटिलेटर्स ये तो यहाँ से राजस्थान वेंटिलेटर भेजने का काम किया। करीब 150 विद्यार्थियों को यहाँ से जो अटक गए थे उनको भेजने का काम किया। तो ऐसे कई सारे चैरिटेबल कार्यक्रम करती है। उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, हम साल के दो हमारे एनुअल फंक्शन है जैसे जीमन, उसमें सभी लोग, सभी जात बिरादरी समाज के लोग आके बैठ के एक जाजम पे बैठ के खाना खाते हैं, जीमते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं, तो वो करते हैं। और गणगौर जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है राजस्थान में, वो करते हैं। तो राजस्थान एसोसिएशन यूके उस तरीके से सभी को जोड़ने का कार्यक्रम कर रही है और उसी के तहत आज हम सब एक साथ हुए हैं दोबारा। तो मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को हमारे संरक्षक और ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष श्री कुलदीप जी शेखावत को बुलाना चाहूँगा स्वागत भाषण के लिए। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, आदरणीय मेघराज जी, राजस्थान के सभी उपस्थित
दोस्त, मेहमान, प्रेमी, भारतीय जनता पार्टी यूके के सभी सदस्य और मेरे सभी दोस्त, एक मन की बात जो आज कार्यक्रम रहा, प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि ये 100वां कार्यक्रम होगा और इसे आप जरूर सुने, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर करूँगा, कहूँगा कि इस देश के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें विश्व के हर कोने में, हर जगह, हर शहर में, हर देश में आजकल सुना जाता है, उनकी बात भी सुनी जाती है। पहले मैं राजस्थान की तरफ लौटता हूँ। राजेंद्र सिंह जी राठौर कोई परिचय के मोहताज नहीं है। 7 बार के विधायक, 4 बार के मंत्री, और मैं इन्हें जानता हूँ स्टूडेंट राजनीति से, तो जमीन से जुड़े हुए आदमी की खासियत होती है कि वो कहाँ भी पहुँच जाए वो जमीन से जुड़ा ही रहता है। कल रात का वाकया आज मुझे बता रहे थे कि सुबह 3 बजे फ़ोन आया कि साहब मेरा कैंसर का, मेरी फैमिली में कोई कैंसर का इशू है और उसको सॉल्व कराइए, तो रात के 3 बजे भी ये उठ के इन्होंने वो काम किया। आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति सत्ता में है या सत्ता के बाहर है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप समाज के लिए क्या कर पाते हैं। और राजस्थान का सौभाग्य है, राजपूत समाज का भी सौभाग्य है और हमारे देश का भी सौभाग्य है कि हमारे पास जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता हैं। लंदन पधारे, हमें महसूस तक नहीं हुआ कि राजस्थान के इतने बड़े नेता हमारे साथ हैं, न उन्होंने महसूस होने दिया और न ये दिखाया कि वो कोई VIP हैं। अगर बात आगे बढ़ाई जाए तो आज हम हाई कमीशन में सुबह सुबह प्रोग्राम सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए गए। कल रात को ये स्कॉटलैंड से वापस आए, काफ़ी लेट हो गए, लेकिन कमाल की बात है सुबह 5 बजे मैं जब होटल पहुंचा तो तैयार मिले। तो डेडिकेशन भी कोई चीज़ होती है, सीखने के लिए आप सब के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ये एक मैसेज है कि जिस आदमी को डेडिकेशन होती है कि हाँ मुझे ये काम करना है, उन्होंने बिना झिझक के मुझे कहा 5 बजे मैं रेडी मिलूँगा आपको, और 5 बजे रेडी थे और 6 बजे से प्रोग्राम में वहाँ हम पहुँच चुके थे हाई कमीशन, जबकि 6:30 बजे का प्रोग्राम था। तो ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री भी उनमें से ही आते हैं। प्रधानमंत्री जी पहले संघ में प्रचारक के रूप में आए, उसके बाद उन्होंने गुजरात की कमान संभाली और आज देश की कमान संभाली। अभी राजस्थान में भी जल्द चुनाव हैं और हम राजेंद्र सिंह जी के लिए, हमारी तरफ से, हमारी सबकी आशा है कि राजस्थान की कमान संभाले। तो अब मुड़ते हैं राजस्थान की तरफ, हमारा प्रदेश है राजस्थान। आज सुबह इस पे इन्होंने TV18 पे बोलते वक्त ये कहा कि हमारे यहाँ जल की समस्या रही और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये बात बोलकर उस समस्या का निदान किया। तो राजस्थान, आप सभी को पता है कि हम सूखा प्रदेश गिने जाते हैं। अब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो हमारी 2 समस्याएं हैं राजस्थान के लिए, और हम यहाँ बैठे हुए विदेश में बैठ के भी ये आग्रह करते हैं कि राठौर साहब हमारी बात जरूर सुनेंगे। एक जल की समस्या है और एक बिजली की समस्या है, इनके ऊपर
काम की आवश्यकता है राजस्थान को, और राजस्थान में शायद ये काम अब हो पाएगा। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो कोई विषय नहीं है, सिर्फ स्वागत था आपका, और स्वागत में भी ये था कि राजस्थान के लोग आपसे मिलना चाहते थे, आपसे ये समझना चाहते थे कि राजस्थान की जो इस वक्त के हालात हैं वो कैसे हैं, राजस्थान में माहौल कैसा है और राजस्थान की राजनीतिक स्थिति कैसी है। इस माहौल संदर्भ में चुनाव बहुत नज़दीक हैं और ये इस वक्त आ सके यही बड़ी बात है, क्योंकि थोड़े समय बाद चुनाव की सरगर्मियां राजस्थान में जब शुरू हो जाएगी तो नेता वहीं नज़र आएंगे, आपको यहाँ नहीं आएंगे। ऐसे में मेरी एक प्रार्थना है कि जब वो हमें संबोधित करें और यहाँ बैठी जनता को थोड़ा सा ज्ञान दें कि राजनीतिक माहौल इंग्लैंड और हमारे यहाँ इंडिया में फ़र्क क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें ये भी जानना है कि राजस्थान में इस वक्त राजस्थान के विकास के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तीसरी चीज़, हम हमारे बारे में थोड़ा सा आपको, राजस्थान एसोसिएशन भारतीय जनता पार्टी का एक विंग यहाँ पर और भी है, मिलकर हमने ये प्रोग्राम किया। राजस्थान एसोसिएशन 5-7 साल पहले हमने सोचा कि एक ऐसी संस्था राजस्थान की होनी चाहिए जो राजस्थान के बारे में सोचे, राजस्थानियों के बारे में, जो इंग्लैंड में बसे हैं विदेशी, हम उनके बारे में सोचे और उनके कार्यक्रमों के बारे में सोचे। राजस्थान को वापस यहाँ थोड़ा सा ज़िंदा करने की कोशिश हमारी है। हमने यहाँ गणगौर का कार्यक्रम शुरू किया, हमने एक जीमण करके कार्यक्रम, जो राजस्थान एसोसिएशन का एक सिग्नेचर कार्यक्रम है, जो यहाँ शुरू हुआ। काफ़ी संख्या में राजस्थान के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त मैं आपको कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा एंड वन ऑफ द बेस्ट मैनेज प्रोग्राम हमारा जीमण है। राजस्थान की ये टीम आपके समक्ष बैठी है, हरेंद्र जोधा जी इसको लीड करते हैं और साथ में आलोक शर्मा जी, बाकी अभय सिंह जी, सारे इन लोगों के अथक प्रयास से ही ये संभव हुआ कि राजस्थान के लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए। एक छोटा सा देश है इंग्लैंड, करीब 6.5 करोड़ की जनसंख्या हमारी इस देश की, उसमें भी राजस्थान के लोग काफ़ी कम थे, फिर भी राजस्थान की टीम ने काफ़ी संघर्ष की, मेहनत की, लोगों को जोड़ा। अब सिचुएशन ये है कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे यहाँ आने के लिए पहली चीज़ तो हमारा जो न्योता था वो आपने स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। दूसरी चीज़, जिस तरह से आपने हमारे साथ समय बिताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये महसूस नहीं हुआ कि राजस्थान के इतने सीनियर नेता हमारे बीच में हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे नेताओं के बीच में मैंने समय निकाला है, लेकिन अपनेपन की जो बात राठौर साहब में दिखी बहुत कम लोगों में दिखती है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करूँगा कि आप भी इनका उसी तरह स्वागत करिए जिस तरह होना चाहिए। राजस्थान के एक नेता के रूप में, हमारे एक भाई के रूप में और एक